आप सभी को जन्म से कौन कौन प्रभु से प्यार करता है, दिल से बता दो। लगभग सारे लोग। अच्छा, प्रभु किस किस से प्यार करता है, कैसे कैसे? ठीक है, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत सारे विषय लंबे हो जाएंगे। अपना परिचय दे देता हूँ। मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ और संज्ञान हमारी कास्ट है। खुद से मैंने भी शास्त्रीय और ज्योतिष ये चीज़ें करी हुई है। और मैं सिर्फ तीन विषय में बात करूँगा कि अभी मेरे मन में एक वचन आ रहा था, यर्मिया 1:5, जब जिसमें प्रभु साफ कहते हैं, है ना, कि गर्भ में रखने से पहले मैंने जरा अभिषेक किया। तो जब मैं अन्य जाति में था और उसके बाद विश्वास में आया, तो मेरे जीवन में कैसे काम हुआ मैं उस चीज़ को बताऊंगा। मैं नहीं मानता था ये सारी चीज़ें। एक बार आज से पहले बालकपन में था मेरा, दिवाली की घटना है। मैंने पैसे ले रखे थे बम पटाखे फोड़ने के लिए और मैं अपने दोस्तों के साथ गया था। तो उसमें अभी क्या हुआ था, हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्रिकेट खेलते खेलते क्या हुआ, मैं विकेट कीपरिंग कर रहा था। तो मैं विकेट कीपरिंग कर रहा था, तो उस समय बॉलर ने पीछे से बॉल डाली, तो मैं आगे जाके सीधे स्टंप के लिए उसका बैट पकड़ने लगा। उस दौरान चश्मा मेरा छोटे से लगा हुआ, वो बैट मेरे इसी आंख पे लगा था। और मैं उस समय, अभी मेरे को याद है, 3 दिन बाद मेरे को होश आया था, मैं भर्ती था, ऑपरेशन हुआ था, फिर इधर सर्जरी हुई थी, तो वो ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक बार नवरात्र का बात है, 8 फरवरी को नवरात्र थे, उस दौरान मैं धोती वगैरह पहन के अपना मंदिर से आ रहा था, तो मेरे ठीक सामने मधुमक्खी का इतना बड़ा छत्ता गिर गया। तो दिमाग में एक चीज़ थी कि यार, इनका शहद खाने से ना ये लोग काटते नहीं, तो मैंने धोती को तुरंत ऐसे करके सर पे बांधा, छत्ता उठाया, मधुमक्खी समय छत्ता अंदर। वहाँ भी मेरे को लगभग 4 दिन लगे थे होश आने में। और अभी जब विश्वास में आया, तो विश्वास में आने के बाद पिछले 6 अप्रैल की बात है, मेरा मेरे पत्नी के साथ काफ़ी तगड़ा एक्सीडेंट हुआ और लगभग मेरे यहाँ भी पत्थर घुसा, ब्रेन इंजरी भी हो रखी, और ये गर्दन की हड्डी जुड़ गई थी। अभी 6 अप्रैल की बात है, वहाँ भी मेरे को 3 दिन बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, आई एम सॉरी का बोर्ड लगा दिया उसने, फिर भी मैं बचा। तो मेरे को प्रभु ने ऐसे बचाया है ना, ऐसे वो मेरे से प्यार करते हैं, है ना। और मैं फिर उसके बाद जब होश में आया, तो जब मैं कलिशिया में गया, तो उधर से भी काफ़ी लोग आए थे, मेरे को तो होश नहीं था, पटना जी वगैरह भी पहुँचे थे, राधी रात कई लोग पहुँचे थे। तो अब जब मैं ठीक हो गया, तो कलिशिया पहुँचा, तो वहाँ पर मेरे साथ स्थिति क्या हुई, भाई हरीश भाई मैंने तो क्या किया था, घर पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैंने पहली प्रार्थना कर दी थी कुछ नहीं होगा, ये भी ठीक है। अब मैं समस्या में पड़ गया था, मैंने प्रभु मैं धन्यवाद किसको करूँ, दिल से मैंने कहा इसको करूँ या इसको करूँ। और आगे वचन पढ़ा है, तो फिर कोई वाली बात नहीं, जब स्टडी करनी है तो जड़ से करनी है। तो मैं एक ही चीज़ कर रहा था, मैं प्रभु मैं धन्यवाद किसको करूँ, कि घर से दिल से धन्यवाद हो ही नहीं ना। इन्होंने प्रार्थना करी समझ में आ रहा, मगर कि अब मैं इनको धन्यवाद करूँ तो इनको महिमा दूँ या आपको महिमा दूँ, दूँ तो दूँ कैसे, ये मेरे लिए एक विषय बन गया था। तो अब इस चीज़ को लेकर फिर बिल्कुल लगभग 2 महीने लग गए इस चीज़ में, इसी विषय में, क्योंकि मैं धन्यवाद भी नहीं दे पा रहा था और ये काफ़ी सारी सिचुएशन आ गई थी उस दौरान ऐसे, क्योंकि मैं देख रहा था। तो जब ये सिलास और वो बंदी गृह में थे, तो उसके बाद तो वहाँ तो मैंने प्रभु ये बोल रखा कि समस्त कलिशिया ने तेरे लिए प्रार्थना करी, यहाँ कह रहे कि मैंने भविष्यवाणी कर दी थी तुझे कुछ नहीं होगा, मैंने प्रार्थना करी ये हो गया था। अरे मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी समस्या का विषय हो गया है ना। तो फिर उसके बाद फिर मेरे को एक ऐसी, मैं क्वाइट टाइम कर रहा था शांत समय खुद से ही, तब मेरे को फिर एक ही चीज़ लगी, मैंने कहा मेरे को जो दिखाई कि अगर तेरे भाई तो अगर शास्त्री है, तो तू शास्त्री है ना, तूने उसके लिए तेरे को एफिडेविट है ना, तूने उसके लिए अपनी पहचान बनाई है ना, तो जिसने करी उसने बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है। तो इसीलिए उन सबका भी दिल से धन्यवाद, और मैं पटेल जी आपको भी धन्यवाद करूँगा। मुझे नहीं पता रात को कौन कौन आया था सच में, और जो जो आया था उन सबका दिल से धन्यवाद, और जिस जिस जगह से प्रार्थना हुई थी, और सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद सबको जी सकती।